नमस्ते। हमारे मेकशिफ्ट स्टूडियो से, ट्रैवलिंग स्टूडियो से, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आज हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी और हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया की विपत्तियों के बारे में। ये कैसी विपत्तियां हैं जो जाने का नाम नहीं लेती विजय जी? संजय जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आप गलत करेंगे तो गलत होगा, आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, ये इनकी करनी का फल है। और जैसा कहा जाता है कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो उसके परिणाम की भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो चल रहा है, ये सब उसी का परिणाम है, ये नियति है। ये जो पूरा किस्सा है ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल्स दीजिए। सर, कोविड के समय में जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था और दुख की बात यह थी कि कोविड हम सबके लिए एक नई चुनौती थी, सरकार के लिए भी नई चुनौती थी, तो हमारे पास पीपी किट नहीं हुआ करते थे इस देश में। हमारे यहाँ कोई बनाता नहीं था और जो थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स या ऑपरेशन थिएटर्स में यूज होते थे वो जनरली लोग चाइना से इम्पोर्ट कर लेते थे क्योंकि क्वांटिटी और डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, तो किसी ने बनाने पर नहीं सोचा। लेकिन जिस तरह से कोविड आउटब्रेक हुआ तो उस स्थिति में सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई। तो मार्च 2020 में आसाम गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपने हॉस्पिटल्स और मेडिकल सर्विसेज के लिए, डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ के लिए पीपीई किट चाहिए क्योंकि मिल नहीं रहे थे। और आपको पता है कि इस क्राइसिस के समय में बहुत सारे जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है प्रोक्योरमेंट का, एक कंसिडर्ड व्यू भारत सरकार और राज्य सरकारों ने यह लिया कि इस समय क्राइसिस है, आग लगी हुई है, तो इस समय आप टेंडरिंग और प्रोसीजर में ना जाके जो कंपनी सप्लाई कर सकती है आप उसको टेंडर दीजिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है और मटेरियल बाजार में मिल नहीं रहे। तो उस स्थिति में एक टेंडर इश्यू किया गया और उन्होंने उस टेंडर को, जो नेशनल हेल्थ मिशन आसाम के जो डायरेक्टर थे, मिशन डायरेक्टर, उन्होंने वो टेंडर इश्यू किया एक कंपनी को जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट आसाम में है। इंसिडेंटली उसके डायरेक्टर जो है आसाम के सीएम, उनसे उनके रिलेटेड हैं, रिलेटिव्स हैं। तो अब उस मिशन में जो रेट कोट किया गया था, जो टेंडर का रेट कोट किया गया था वो था 990 रुपए और रिक्वायरमेंट थी कि करीब आप 5,000 के आसपास हमें पीपी किट सोर्स करके दीजिए। लेकिन जैसा होता है कि पीपी किट मिले नहीं पूरी मात्रा में और जो मिले उस कंपनी ने राज्य सरकार को डोनेट कर दिए कि जब देखो पूरे तो हमें मिले नहीं, और क्योंकि वो सीएम की वाइफ की कंपनी थी तो ये भी अच्छा नहीं लगा कि लोग मर रहे हैं, क्राइसिस में है और हम उसमें प्रॉफिट कराए। तो उन्होंने जो भी 1,500 के आसपास जो उनको किट मिले उन्होंने वो खरीदे और स्टेट गवर्नमेंट को डोनेट कर दिए। लेकिन ये पूरी बात, जैसा अक्सर होता है कि मीडिया में नहीं आई, आधी बात छपी, कुछ लोगों ने कहा कि साहब आपने टेंडर निकाले, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा निकाले, किसको दिए, इसको दिए, किस रेट पे दिए, इस रेट पे दिए। और आरटीआई में वो आधी अधूरी बात थी क्योंकि जैसा सवाल आप पूछोगे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। तो उसको लेके आरटीआई एक्टिविस्ट ने और आपके फेवरेट चैनल वायर ने उसको छापा। तो जब उसको, जब उन्होंने छापा तो उस बेस को लेके मनीष सिसोदिया जी ने स्टोरी बना दी कि देखिए करप्शन हुआ है, 5,000 किट की बात की गई थी, बाजार में 600 का मिल रहा था, 990 में दिया गया, वो इसलिए हाई रेट पे दिया गया क्योंकि वहां पे जी जो उनकी मिसेज हैं वो क्योंकि डायरेक्टर हैं इसलिए ये फेवरेटिज्म किया गया, ये सब एलिगेशंस लगा के अनफॉर्चुनेटली उस पूरे प्रोसेस को उन्होंने खराब
करप्शन का एंगल देने की कोशिश करी, जिसके खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री जो क्योंकि उनके वाइफ का नाम आ गया था, तो उन्होंने कहा कि ये बात गलत है और वो मानहानि का दावा किया उन्होंने। और उसका खामियाजा ये हुआ कि ये मुद्दा फिर जब मानहानि का दावा हुआ तो कोर्ट तक मैटर गया, और मैटर जब कोर्ट तक गया तो उसका खामियाजा इनको आज उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मानहानि है, आपने पूरी जानकारी लिए बगैर आपने इसको किया है, तो ये अब आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगी। जी हाँ, हुआ ये कि जब हाई कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई तो मनीष सिसोदिया साहब फिर सुप्रीम कोर्ट आए कि इस केस में हमने कोई उनके खिलाफ एलिगेशन नहीं किए हैं, मानहानि या डिफेमेशन का केस नहीं बनता है, तो हमें यहां से मुक्ति मिल दी जाए, इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, नहीं तो हमें वहां कामरूप जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस, और वहां हाई कोर्ट में, क्योंकि उनके लिए समन इश्यू हुआ है, तो उनको वहां जाके पेशी देनी पड़ेगी। तो ये सब बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, आप जिस तरह से पब्लिक डायलॉग करते हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, और अब आप आके कहते हैं कि मानहानि करने के बाद कि आप हमें इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है तो आप लिखित में माफी क्यों नहीं मांग लेते, और इस तरह का एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर आपने गलत काम किया तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और यही मुद्दा आज सबके सामने। जी हाँ, और उन्होंने इसको विड्रॉ कर रखा, उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, तो उन्होंने इसको विड्रॉ किया, और सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन का ऑर्डर आया होगा, जैसा कि ऐसे केसेस में होता है, डिसमिस्ड एज विड्रॉन। तो इतना कहने से वो कम इस बात से तो बच गए कि जो भी ये ऑब्जर्वेशन है वो जज ने अपनी ऑर्डर में नहीं लिखे, वरना वो सारी चीजें ऑर्डर में आती। हाँ, वो जब ऑर्डर में आती तो जिसको एक कहा जाता है कि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है, और वो कई जगह पे फिर वो यूज हो सकता था, इनके पूरे कैरेक्टर के ऊपर इशू आ सकता था, कंडक्ट पे इशू आ सकता था, और बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं एक कोर्ट ऑर्डर के, और दैट कैन ऑल्सो बिकम एविडेंस एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर, क्योंकि ये एक मुद्दा तो नहीं है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई और मुद्दे होंगे, तो फिर वो एक इश्यू बन जाता है कि सर ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, और उससे बचने के लिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अभी तो उनके और भी केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं, एजुकेशन वाला चल रहा है, और उनके जो दूसरा वाला जो चल रहा है वो भी चल रहा है, तो अभी तो बहुत सारे केसेस हैं, उनको झेलने पड़ेंगे, और उनमें तो उनका कुछ हुआ नहीं, और यहाँ ये बेचारे फंस गए, जिसको कहते हैं कि साहब अब रपट पड़े तो हरी गंगे कर लेना चाहिए उनको। अब ये बात इनको केजरीवाल साहब से सीख लेनी चाहिए थी, इनके गुरु से, कि देखो जब फंसने की बात आए तो दुम दबा के भाग लेना चाहिए, चुपचाप माफीनामा लिखो और माफी मांगते जाके मिल लेते उनसे कि साहब सॉरी गलती हो गई और हम माफी चाहते हैं, इस केस को विड्रॉ कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि लेकिन अब सवाल ये था कि भाई ईगो का सवाल था कि हम कैसे पीछे हट जाए, अब पीछे नहीं हटना है तो फिर जो प्रक्रिया है देश में एक डिफेमेशन केस की वो जारी रहेगी। तो प्रॉब्लम उसमें ये है कि अगर ये गिल्ट फील इनको दोषी पाया जाता है तो सर सजा का प्रावधान 2 साल तक की जेल भी है, तो अगर 2 साल की जेल अगर हो जाती है तो ये आप समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए हाईकोर्ट कहता है कि हमने आपको बार बार बुलाया, आप इतने सीनियर व्यक्ति होते हुए भी, पब्लिक पोजिशन पे भी होते हुए, अगर आप ही लॉ का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और मान लीजिए कि एक्सट्रीम पोजीशन लेके 2 साल की सजा अगर हो जाती तो सर 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा होती है तो आप इलेक्शन लड़ने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कम से कम 6 साल के लिए, मतलब 6 साल प्लस 2 साल, आप 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया साहब को अपने गुरु की बात मान लेनी चाहिए, जैसा उन्होंने कहा था कि जब डिफेमेशन हुआ तो चुपचाप जाके माफी मांग ली थी सबसे, तो इनको भी वही प्रक्रिया अपना लेनी चाहिए, मेरा तो फ्रेंडली सजेशन यही रहेगा। केजरीवाल जी का तो पुराना रिकॉर्ड है, उन्होंने शीला दीक्षित जी से माफी मांगी, और उसके बाद फिर उन्होंने जाके अरुण जेटली जी से भी माफी मांगी, पहले उनको प्रशांत भूषण ने बहका दिया था,
और उस चक्कर में वो जेल भी हो आए थे, आपको ध्यान होगा। तो मेरे जी विचार से उसी के बाद उन्होंने प्रशांत भूषण जी से किनारा करना उचित समझा, और अब जो है वो माफी मांगने का रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर रखा है। तो आप सही कह रहे हैं कि सिसोदिया जी को भी ऐसा ही कर लेना चाहिए था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गुवाहाटी में केस हुआ है, अब डिफेमेशन का जो प्रावधान है वो क्रिमिनल लॉ में भी है, हमारी 499 IPC, जी और सिविल लॉ में भी है। तो ये जो इन्होंने दाखिल किया है हेमंत बिश्व शर्मा ने, इन्होंने क्रिमिनल में किया है या सिविल में किया है या दोनों में किया है? दोनों में है, जहां तक मुझे ध्यान है। एक तरफ तो 100 करोड़ का हर्जाना है, इनकी वाइफ ने जी भी किया है और इन्होंने भी किया है, क्योंकि जहां 100 करोड़ का हर्जाना है वहां तो हम सिविल सूट मान सकते हैं कि चलिए या आप कंपनसेशन उसका दीजिए। तो और ट्रायल दूसरा होगा, जो तो वो उसको उसका ट्रायल भी तो होगा, ट्रायल। उसमें अगर गिल्ट हुआ, अगर गलती पकड़ी गई या पता लगा कि ये जानबूझ के की गई हरकत थी और बगैर तथ्यों को जाने हरकत थी और विद पॉलिटिकल मोटिव, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है हर जगह देश में, पंजाब का चुनाव था, बाकी चुनाव थे, क्योंकि ये मार्च के आसपास, मई जून के आसपास की कहानियां हो रही हैं सारी। तो मुझे लगता है कि विद पॉलिटिकल इंटेंशन एक दूसरे को मिलाइन करने के लिए इस तरह का इन्होंने एक षड्यंत्र और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई है, ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था ये। इसका मतलब ये है कि ये पूरा प्लान था, उनके पास जो भी एविडेंस थे इन्होंने उसको शायद तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं करी, समझने की कोशिश नहीं करी, तो ये खामियाजा इनको उठाना पड़ सकता है और वो एक चिंता की बात है। और अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये तो ऑफ द कफ रिमार्क था, मैं किसी मीटिंग में बैठा था, किसी पत्रकार ने पूछा और मैंने बोल दिया। सवाल तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी और ये पेपर्स आप लेके आए थे, तो इसका मतलब ये प्लैंड एक्टिविटी थी। और मेंसरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो सवाल आता है कि यू हैड ए बैड इंटेंशन इन द होल प्रोसेस। तो जब मेंसरिया है तो इसमें आपका सिविल के साथ साथ क्रिमिनल एटीट्यूड भी दिखता है, तो दोनों में मेरे को लगता है कि दो केसेस हैं, एक तो उनकी वाइफ की तरफ से भी केस है और सीएम साहब की तरफ से भी केस है। तो ये अब देखना है कि पहले जजमेंट किस में आता है और ये अगली कार्रवाई खुद पहल करके किस किस से माफी मांगते हैं और क्या रिक्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मनीष सिसोदिया के जो कारनामे हैं, सत्येंद्र जैन के कारनामे हैं और लोगों के जो कारनामे हैं, अब इनका प्रभाव जो है वो इनकी राजनीति पर पड़ने लगा है। अभी जो MCD के जो चुनाव हुए उसमें भी हमने देखा कि सत्येंद्र जैन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर जो 3 वार्ड पड़ते हैं वो तीनों हार गए वो लोग, आम आदमी पार्टी वाले। यहाँ इनकी जो पटपड़गंज की जो विधानसभा सीट है उसमें 4 वार्ड लगते हैं, मनीष सिसोदिया की जो पटपड़गंज की सीट है उस 4 में से 3 वार्ड ये लोग हार गए। और वो आपके जो गहलोत साहब हैं, कैलाश गहलोत साहब, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार गए। तो ये जो जितने भी टेंटेड लोग हैं, ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका प्रभाव अब धीरे धीरे पड़ने लगा है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा है सर आपने। देखिए काठ की हांडी कितनी बार चढ़ा हो गया, देखिए जनता सब देख रही है और आज सोशल मीडिया का जमाना है। अनफॉर्चुनेटली आज भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि जो वो बोलेंगे, जिसको जो सर्टिफिकेट देंगे, बस जनता उतना ही समझेगी। और क्रॉस वेरिफिकेशन, अल्टरनेट एविडेंसेस, संजय अपना ये सत्येंद्र जैन साहब की वीडियोस और बाकी चीजों की जो एविडेंसेस जनता में आ रहे हैं और इतनी चर्चा हो रही है, उसको जनता इग्नोर कर देगी क्या, ये सोच के आम आदमी के नेता अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये चिंता की बात है। तो सवाल इस बात का है कि इनका एक नैरेटिव था जो दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए, उसको जनता ने एक्सेप्ट किया था कि ये एक पार्टी आई है चेंज के लिए, तो जनता ने इनको सपोर्ट दिया। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सीरीज ऑफ घोटाले निकले, एक आधा होता तो जनता फिर भी कहती कि चलो एक आधी गलती हो गई हो, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट हिंदुस्तान की जनता बड़ी आसानी से दे देती है। लेकिन जब हर डिपार्टमेंट में घपला निकला, हर डिपार्टमेंट में, और फिर सुकेश की चिट्ठी आई, फिर आपने अपने जेल गए हुए मंत्रियों को नहीं हटाया, आप मॉरेलिटी की बात करते थे, एथिक्स इन पॉलिटिक्स की बात करते थे, वो सब आपने इग्नोर किया, आप करप्शन एंड क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते थे, आपने एलिगेशन आए तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी,
उसके अलावा फिर आपके ऊपर एलिगेशंस आए, विटनेसेस आए, फिर सीबीआई चार्जशीट हुई, रेड्स हुई, तो एक के बाद एक जो एविडेंस आए वो सारे इनके जो क्लेम्स थे, जो इनके नैरेटिव्स थे, वो उसके खिलाफ थे, उसके अगेंस्ट थे। तो जब इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा था तो जनता को लगता था कि यार ये चल क्या रहा है। और फिर एमसीडी चुनाव में पैसे लेके सीट बांटने की कार्रवाई शुरू हुई, और जो इनके प्रभुत्व वाले लोग थे, प्रॉब्लम क्या है, अब आप ये समझिए सर कि किसी भी पार्टी के अंदर चुनाव जीतने के लिए आपको एक फील्ड फोर्स चाहिए होती, और फील्ड फोर्स में जो प्रवक्ता इनके कैंपेनिंग के लिए जाएगा घर में, तो घर में जाते ही जैसे ही वो कहेगा आप आम आदमी का आम आदमी को वोट दो, और दिल्ली का सिटीजन ये पूछेगा कि सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है, या आपने शराब घोटाला क्यों किया, एक्साइज पॉलिसी क्यों बदली, तो जो फील्ड फोर्स है उसका भी मॉरल बहुत हद तक डाउन हो जाता है। और जो लोग इनको मॉरली सपोर्ट कर रहे थे, और इस बात को भी हमें समझना होगा सर कि इंडियन पॉलिटिक्स में कोर वोटर बहुत लिमिटेड होता है, करीब 20-30% होता है जो कोर वोटर होता है, मेजोरिटी ऑफ जो वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर है, वो परिस्थितियां देखता है, स्थितियां देखता है और उस हिसाब से वोट करता है। तो अगर हम ये कहें कि 30-35% वोट जो आम आदमी के कोर वोटर्स थे, जिसमें हम माइनॉरिटीज और झुग्गी झोपड़ी जिनको फ्री बिजली फ्री पानी दे के ब्राइबिंग करके इन्होंने अपनी तरफ कर रखा है, और दूसरी तरफ बीजेपी के भी करीब 25-30-40% कोर वोटर है, जो बीच का वोटर है, जो मिडिल क्लास वोटर है, या जिसको हम थोड़ा इंटेलेक्चुअली सेंसिटिव बोल सकते हैं, या जो ओपिनियन पे अपने व्यूज बनाता है, जब उनको सारा फीडबैक डिस्टर्ब मिला, तो उन्होंने जो आम आदमी की तरफ बेंड होने वाले थे वो फिर बेंड नहीं हुए, या तो वो एब्सटेन किए, इसलिए दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही, या तो उन लोगों ने एब्सटेन किया, या उन लोगों ने कहा कि चलो यार कम से कम जो पार्टी चल रही है उसको ही चलाने दो, कम से कम मोदी साहब करप्शन के केस में तो नहीं आ रहे, बाकी हम कुछ भी उनको बोले, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जो भी नहीं हो रहा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम करप्शन के एलिगेशन नहीं है। तो ये सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, और इसीलिए आपके सामने ये रिजल्ट जो है कि जो एक स्वीप का कॉन्सेप्ट होता था दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट 80-85-90% सीटें ले जाने का एक ट्रेंड बन रहा था, वो अब मॉडरेट हो गया है, अब वापस पुरानी राजनीति आ गई है कि 50-50 ± 5-10। तो ये जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है, ये वही है कि आम आदमी का जो नैरेटिव था अब जनता ने फेस वैल्यू पे लेना बंद कर दिया। एक और चीज भी देखने की आई है कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो उन्होंने लगभग एक्सक्लूसिव एक कमांड माइनॉरिटी वोट पे कर ली थी, उसमें आपके मुस्लिम भी शामिल थे और उसमें सिख भी शामिल थे। इस बार देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जो सिख बाहुल्य जो सीटें थी वो वापस भाजपा को चली गई, जो पहले भी भाजपा की एक तरह से परंपरागत हुआ करती थी, और कुछ मुस्लिम इलाके जैसे कि ओखला, उस ओखला में इनका तो सुपड़ा साफ हो गया। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और जहां तक सिख वोटर्स की बात है सर, उसमें तो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि हम पूरी सिख संगत बीजेपी को वोट देगी, क्योंकि केजरीवाल ने जो जो हम लोगों ने कहा था कि सिखों की समस्याओं का समाधान करो, इन्होंने कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ बीजेपी ने, मोदी साहब ने आगे बढ़ के सिखों की भावनाओं का सम्मान किया, साहबजादों के डे को रिकॉग्नाइज किया, बाकी जो स्कीम्स थी, 84 के दंगे थे, बाकी समस्याएं थी, उन सब को लेके बीजेपी की तरफ से एक प्रोएक्टिव अप्रोच रहा, क्योंकि हमें ये पता है कि बीजेपी का और सिखों का एक बहुत पुराना, बादल साहब के टाइम और उससे पहले भी, एक बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग रही है। आफ्टर ऑल सिख कम्युनिटी इज पार्ट ऑफ वाइडर हिंदू रिलीजन। तो ये अगर हम इस बात को भी समझते हैं तो एक नेचुरल अलायंस है, लेकिन कुछ लोगों ने, खासकर पंजाब में जो किसानों का आंदोलन हुआ था और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से हिंदू और सिखों के बीच में रिफ्ट डालने की कोशिश की थी पंजाब इलेक्शन को लेके, और जिसके कारण पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर आज भी हम बिगड़ता हुआ देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, तो ये स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोटर्स थे उनको भी ये बात समझ में आ गई
कि आम आदमी पार्टी को साथ देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया प्रेजेंस इनका है नहीं। अगर हमें किसी पार्टी को अगेंस्ट बीजेपी अगर किसी को खड़ा करना है तो वो कांग्रेस ही हो सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस को सपोर्ट मिला अपना हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस को सपोर्ट मिला गुजरात में, कांग्रेस को सपोर्ट मिला दिल्ली में, और सब जगह से आम आदमी पे जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है। ये आम आदमी के लिए चिंता की बात है। हाँ, अब कांग्रेस के ऊपर है कि वो अपने हाउस को कितनी जल्दी अपने ऑर्डर में लाते हैं, अपनी लीडरशिप को क्लियर करते हैं, लेकिन अल्टरनेट टू बीजेपी आज भी जो मुस्लिम वोटर है वो मुझे लगता है आम आदमी की जगह आज भी कांग्रेस को प्रेफर करता है। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस का लीडरशिप क्लियर हो जाता है तो मुझे लगता है इसका फायदा उनको मिल सकता है। जी हाँ, मिल तो सकता है, लेकिन कांग्रेस की अपनी अलग समस्याएं हैं। जैसे गुजरात में देखने में आया, उन्होंने लगभग 13-14% वोट गवा दिया अपना, और वो लगभग सारा का सारा आम आदमी पार्टी को चला गया। बीजेपी का तो उल्टा वोट प्रतिशत तो और बढ़ गया 3%। ये बात सही है सर। मैंने इसीलिए कहा कि इस समय देखिए, दिस नो अल्टरनेट टू गुड लीडरशिप। हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, फील्ड फोर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, कार्यकर्ता को मोटिवेट कर सकते हैं, जिसको हम मैनेजमेंट थ्योरी में बोलते हैं कि यू कैन बी ए वेरी गुड एग्जीक्यूटर, बट वेर इज द लीडरशिप, डायरेक्शन कौन देगा। तो आज कांग्रेस का जो इश्यू है वो ऑर्गेनाइजेशन शायद रिवाइव हो जाएगी अगर लीडरशिप क्राइसिस एड्रेस हो जाता है। तो कांग्रेस इज गोइंग थ्रू लीडरशिप क्राइसिस। हालांकि इन्होंने नया पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन आज भी देखिए जिस तरह से हिमाचल में चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन हुआ है वो फैमिली ही की तरफ से नाम सजेस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी है वो डमी प्रेसिडेंट है। ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चीजें बीजेपी इसको कैपिटलाइज करेगी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसको कैपिटलाइज करेंगी। तो कांग्रेस जितनी जल्दी अपने घर को सुधारेगी, डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। अब देखते हैं ये इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसको वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी। ये एक बड़ा इस समय ज्वलंत मुद्दा बन गया है, और ये भी दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी को रिलीफ नहीं मिली। वो भी बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो ये सोचते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें जैसी चाहे वैसी मन चाहे रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन अब वो भी जो है संभव नहीं दिख रहा है। तो इसी पॉइंट पर हम आपका धन्यवाद करते हुए आज का यह जो डायलॉग है यहीं पर इसको विराम देंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम सर।